कैथल पुलिस द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट की उल्लंघना करने वाले वाहन चालकों को रास्ते पर लाने के लिए गांधीगिरी का रास्ता अपनाया गया है। गांधीगिरी का यह सिलसिला 3 तक चलेगा। इस दौरान कैथल के प्रमुख चौराहों, स्कूल, कॉलेज और टैक्सी स्टैंड पर नाके लगाकर वाहन चालकों को नए नियमों और उनके फायदों के बारे में जागरूक किया जाएगा। कैथल के पिहोवा चौक पर लगे नाके पर मौजूद एसपी वरिंदर विज ने बताया कि हरियाणा पुलिस के डायरेक्टर जनरल के निर्देश पर गांधीगिरी से जागरूकता फैलाने का यह अभियान शुरू किया गया है। इसके बाद चालान काटने शुरू किए जाएंगे चौराहों पर। एसपी वरिंदर विज ने बताया कि कैथल के चौराहों पर लाइटें ठीक करवाने के लिए नगर परिषद से बात की जा रही है। आइए एसपी वरिंदर विज से बातचीत के मुख्य अंश सुन लेते हैं। सब जानते हैं कि मोटर व्हीकल एक्ट में काफ़ी चेंजेस हो गए हैं और जुर्माना काफ़ी बढ़ गया है, तो उसमें हमारे डीजीपी साहब के निर्देश हैं कि हम तीन दिन का अवेयरनेस एजुकेशन प्रोग्राम चलाएं और गांधीगिरी के रूम में हम सब लोगों को बताएं कि मोटर व्हीकल एक्ट के जो सेक्शंस हैं, जो कानून है, उनकी पालना करनी बहुत ज़रूरी है। उसमें दो फायदे हैं, आपकी जान का नुकसान तो बच ही सकता है, प्लस अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो जो आपका फाइनेंशियल लॉस है, जो आपको जुर्माना है और जो तकलीफ होगी, उससे भी आप सब बच सकते हैं। तो 3 दिन के लिए सभी SHOs हमारे, डीजीपी साहिबान और मैं खुद, इसमें हम शामिल रहेंगे। 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम को, इस बारे में 3 दिन हमारा लगातार ये प्रोग्राम रहेगा। हम स्कूल में, कॉलेज में, जो इंस्टीट्यूट सेंटर हैं वहाँ पर जाकर, ऑटो रिक्शा स्टैंड पर, हर जगह जहाँ पर मैक्सिमम ड्राइवर हमें मिलेंगे, हम वहाँ जाकर उनको एजुकेट करेंगे, अवेयरनेस फैलाएंगे, ताकि कम से कम लोगों की जान का नुकसान हो और जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसकी पालना हो सके। इसी प्रकार 3 दिन के लिए हम थोड़े कम चलानी करेंगे और सबको अवेयरनेस देंगे इस बारे में कि जो भी इलीगल या गलत तरह से चला रहा है उसको ठीक करें, अन्यथा उसके बाद हम उनका फिर चलान करना स्टार्ट। धीरे धीरे अभी एक ही बारे में सारा काम ठीक नहीं होगा, धीरे धीरे करके इनको सिखाया भी जाएगा और इनको लागू भी करवाया जाएगा। ट्रैफिक लाइट जब ठीक होगी तभी चलान हो सकता, जो आप भी जानते हैं कमेटी वालों सेम टाइम से दोनों चौक पे बंद पड़ी है ट्रैफिक लाइट। प्रेस वाला काम आप सब प्रेस से ही है, सबसे पहले तो आपको जानकारी होनी चाहिए कौन आपके बीच का आदमी है। आप ये मान रहे हैं कि बिना प्रेस का व्यक्ति उसको कोई सिग्नल लगा के चल रहा है कि वो प्रेस का आदमी, आप हमारे को उनकी डिटेल दें, नंबर दें, भी चेक करें। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। कैथल पुलिस की इस पहल के बारे में 2 शब्द भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।